नवी मुंबई में आजादी दिवस का जश्न, कोकण भवन और मनपा मुख्यालय पर लहराया तिरंगा। आयुक्तों ने नागरिकों से की अपील, योद्धा बनकर कोरोना को हराएं। नवी मुंबई में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मिनी मंत्रालय कोकण भवन पर विभागीय आयुक्त लोकेश चंद्र ने ध्वजारोहण किया और परेड का अभिवादन स्वीकार करते हुए तिरंगे को सलामी दी। वहीं नवी मुंबई मनपा मुख्यालय में आयुक्त अभिजीत बांगर ने तिरंगा लहराया और सुरक्षा कर्मियों के जयघोष के बीच तिरंगे को सलामी दी। कोरोना के कारण सादे अंदाज में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह में मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि जिस तरह हमने गुलामी को हराया है, उसी तरह हमें मिलकर कोरोना को हराना है। उन्होंने पुलिस जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के समर्पण भाव को भी याद किया और नवीन बैकरों को कोरोना योद्धा बनने का आह्वान किया। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में नवी मुंबई महानगर पालिका के सभी नागरिकों को मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं। इस बार जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड जो है बहुत अलग है। हर साल हम जो 15 अगस्त मनाते हैं, उसमें हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, उन सैनिकों को जो सीमा पे हमारा रक्षण करते। इस बार स्वतंत्रता दिवस हम कोविड के बैकग्राउंड पे मना रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस बार हमें जो हमारे कोविड योद्धा है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, इन सभी का एक ख्याल दिल में रखना चाहिए, जो पूरी समर्पण वृत्ति से आज नागरिकों की सेवा में जुड़े हैं, खुद भी रिस्क ले रहे हैं, खुद की फैमिली को भी रिस्क दे रहे हैं, बट फिर भी अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हट रहे। जब हम कोविड योद्धा की बात करते हैं तो कोविड योद्धा की कल्पना सिर्फ इन लोगों तक सीमित नहीं रहती जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। हर एक नागरिक कोविड योद्धा बन सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको कोविड की हमें जो टकराव करना है, उसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी वो समझते हुए उसका हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हर नागरिक तय करता है कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करना है, कोविड से हमारी जो लड़ाई है उसके लिए जो तत्व बताए गए हैं उन सभी का पालन करना है, तो मुझे विश्वास है कि हर आदमी अगर ठान ले कि मैं भी कोविड योद्धा हूं, तो ये कोविड की महामारी से हम सामना करके बहुत जल्द इसमें विजय हासिल करेंगे। फिर से एक बार सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बता दें कि स्वाधीनता दिवस पर नवी मुंबई और पनवेल दोनों ही मनपा परिक्षेत्रों में नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा ध्वजारोहण किए गए। देशभक्ति की धुन पर आजादी का सादगी भरा जश्न मनाया गया। यह पहली बार है जब कोरोना के कारण 300 से अधिक सामाजिक कार्यक्रम रद्द हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी नवी करों में आजादी का जोश कायम दिखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्ति साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।